बड़ी इंडिया में, अगर इंडिया के साथ कंपेयर करिएगा, ये इजराइल फिलिस्तीन दिखता नहीं है मैप में, यहाँ का छोटा सा पार्ट भी बहुत होगा, और ये पूरा दुनिया को तबाह मचा के रख लिया है। पूरा दुनिया तबाह है सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन के कारण। दो गुट में बंटने लगा है, रसिया अलग, अमेरिका अलग। ये इधर तो ईरान तो चाहता ही है भैया इजराइल को उड़ा दो, फिलिस्तीन तो मोहरा है। वो क्या होता है ना, गांव देहात शहर में देखते हैं कि छोटा लोग मोहरा होता है, और मोहरा क्या करता है कि उसको बड़े बड़े चौधरी लोग चवन्नी खिला के लगा देता है कि तुम लग जाओ। तो यहाँ भी जो समझ में आता है कि फिलिस्तीन और पूरा जो इसराइल के बीच का जंग है, ये जंग बहुत ही कुछ मायने में अलग है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा। आज बात टॉपिक से हटकर फिलिस्तीन और इसराइल पे। युद्ध शुरू होने से, 7 अक्टूबर को जब युद्ध शुरू हुआ, युद्ध शुरू होने के लगभग आज 2-3 दिन में लगभग मीडिया खबर के अनुसार लगभग 1000 से अधिक जाने जा चुकी है। तो आइए सब कुछ जानेंगे, क्या है जंग जमीन और ये धर्म की लड़ाई, क्या है वर्चस्व की लड़ाई, क्यों इजराइल और फिलिस्तीन आपस में इस हिसाब से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के जान लेने पे उतारू है। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखिएगा, एक छोटा सा वर्ल्ड मैप है हमारे पास, तो इसमें ये इजराइल और फिलिस्तीन यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है। हमारा इंडिया देख लीजिए कहाँ है, हमारा इंडिया यहाँ पे सामने होगा। अब थोड़ा सा इधर कर ले मैप को, यहाँ पे देखिए, इतनी बड़ी इंडिया में अगर इंडिया के साथ कंपेयर करिएगा, ये इजराइल फिलिस्तीन दिखता नहीं है मैप में, यहाँ का छोटा सा पार्ट भी बहुत होगा, और ये पूरा दुनिया को तबाह मचा के रख लिया है। पूरा दुनिया तबाह है सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन के कारण। दो गुट में बंटने लगा है, रसिया अलग, अमेरिका अलग। ये इधर तो ईरान तो चाहता ही है भैया इजराइल को उड़ा दो, फिलिस्तीन तो मोहरा है। वो क्या होता है ना, गांव देहात शहर में देखते हैं कि छोटा लोग मोहरा होता है, और मोहरा क्या करता है कि उसको बड़े बड़े चौधरी लोग चवन्नी खिला के लगा देता है कि तुम लग जाओ। तो यहाँ भी जो समझ में आता है कि फिलिस्तीन और पूरा जो इजराइल के बीच का जंग है, ये जंग बहुत ही कुछ मायने में अलग है। ऐसे तो बहुत सारे एक्सपर्ट को जब कहीं सुनते हैं पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये लड़ाई में जो मेन मुद्दा है ये महाशय है, जंग हारा तो भी इसकी जीत, जंग जीता तो भी इसकी जीत। कहानी बड़ी अजीब है। पूरी दुनिया, ऐसे तो कुछ ही लोग हैं जो अपने अपने कौम के प्रति बटे हैं। अभी फिर यहाँ तो भारत में क्या है, यहाँ दो ही है, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। सब चीज में हिंदू मुस्लिम चलते रहता है, और यहाँ पे कौन है, एक यहूदी है और एक मुस्लिम है। तो यहाँ यहूदी मुस्लिम है, दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन इक्के है। तो समझ लीजिए कि आखिर कहाँ चल कहाँ रहा होगा, कहानी कहाँ होगी। कहा जाता है ना कि हर लड़ाई में अगर एक कोमन हो तो कोमन सदा सही है या नहीं है, ये सोचने की बात है, लेकिन सबकी लड़ाई उसके ही साथ क्यों है। तो भाई यहाँ भी देख लेते हैं थोड़ा बड़ा ही एक तरीके से देख के कि आखिर इन दोनों के बीच का लड़ाई का कारण क्या है, और इसमें मजबूत कौन है, जीतेगा कौन, पावर किसके पास है। जैसे भी अगर इजराइल की बात करिए तो दुनिया जानता है इसके मोसाद के बारे में, कि ब्रिटेन व्रिटेन में भी नहीं छोड़ा था कोई, इसकी एक पूरी फुटबॉल टीम थी, उसको किसी आतंकवादी संगठन ने मार दिया था, तो इसकी मोसाद ने उसको जहां जहां पूरी दुनिया में छुपा था घर से खींच खींच के मारा था, एको को छोड़ा नहीं था। सेम कहानी है, इनकी मोसाद जो है वो दुनिया की एक नंबर की इंटेलिजेंस ब्यूरो में आती है, उसके आगे खुफिया में कोई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, फिलिस्तीन दिख नहीं रहा है, ऐसे हम बड़ा मैप में आपको दिखाते हैं, इसके आसपास में देखेंगे, इधर जॉर्डन है, इधर इजिप्ट है, इधर टर्की है, यहाँ इराक है, पीछे ईरान है। इस लड़ाई में या आगे पीछे की लड़ाई में इसका मुख्य मुद्दा देखते हैं, बाकी सारे दूर दूर में अपने अपने कंट्रीज हैं। अभी आज के न्यूज में रसिया भी वो इसमें पड़ गया है कि भाई युद्ध सही नहीं है, हम इसके पक्ष में, हम इसके पक्ष में। तो बात ये निकल के आती है कि इन दोनों के बीच युद्ध का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन, फिलिस्तीन तो नहीं कहिए, फिलिस्तीन दो पार्ट में है। इधर वाला पार्ट जो है ना, ये इधर गाजा पट्टी, ये फिलिस्तीन का ये वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं गाजा, और ये वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं वेस्ट ब्लॉक। तो मैक्सिमम जो हमास है उसका सत्ता गाजा में है, इधर पीएलओ है। तो गाजा में जो हमास की सत्ता है ना, तो हमास से ही कहा है हम इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे। ऐसे भी कहा जाता है कि इजराइल कहीं था नहीं दुनिया में, इजराइल तो 1948 में आया दुनिया के नक्शे में, इजराइल आया है 1948 में। तो चलिए इस पूरी जानकारी लेते हैं, ये तो था कि हम क्या चर्चा करने वाले, क्या होता है, क्योंकि अभी तक में लगभग 1000 लोग मारे गए हैं, और शनिवार को जब
6,000 रॉकेट दागा। होता क्या ना, वो टूट पुंजिया लोग अभी कहा कि इजराइल की जो शक्ति है, इजराइल का जो पावर है, इजराइल का जो टेक्नोलॉजी है, इजराइल का जो रणक्षेत्र है, उसकी तुलना में फिलिस्तीन नहीं टिकता है, जो सामरिक एक्सपर्ट बोलते हैं। उसमें क्या हुआ कि जो उस्काया हो, ये भी सामरिक एक्सपर्ट बोलते हैं कि ईरान उस्काया हमास को, यार कहा शांति से बैठल हो थोड़ा लगाओ, तो क्या किया कि 6,000 रॉकेट दाग दिया विद इन 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर में छोटा सा जगह में 6,000 रॉकेट दाग दिया एक के बाद एक। हानि हुई, बहुत हानि हुई। वीडियोज वगैरह देख ही रहे, यहाँ नहीं दिखा सकते, नहीं तो आप लोग देखिएगा, 2-4 रुपये जो आएंगे वो भी नहीं आएगा, कोई कॉपीराइट मार देगा, तो फायदा नहीं है डाल के। मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो 6,000 रॉकेट दाग दिया, वो तो उफन गया। अब उसके अगेंस्ट में इसराइल ने घोषणा कर दिया सार्वजनिक तौर पर कि अब हमास नहीं बचेगा, अब हम फिलिस्तीन के साथ में इस झगड़ा को जो पिछले 100 साल से लगभग चल रहा है समाप्त करके ही छोड़ेंगे। तो आखिर नामो निशान मिटाने का जो कसम खा लिया दोनों ने, हमास बोलता है हम इजराइल का नाम मिटा देंगे, और इजराइल बोलता है अब बहुत हो गया, अब दोस्ती यारी खत्म, अब हमास नहीं रहेगा। एक तरफ में इजराइल की सेना है जो लगभग एक नंबर की सेना मानी जाती है, वहां का एक एक नागरिक सेना है, इजराइल की जो तकनीकी एक वहां का एक एक नागरिक सेना है, एक एक बिजनेसमैन सेना है, सब सेना है। और दूसरी तरफ में हमास जैसा अभी के समय में वो आतंकवादी गुट है, ऐसे हमास नहीं मानता है कि हम आतंकवादी हैं, वो अपनी जो गाजा पट्टी है उसका 15 सदस्यीय टीम है उसकी, जो पूरी गाजा पट्टी पे शासन चलाती है, पूरा का पूरा गाजा पट्टी पे उसका अपना अधिकार है या अपना नियम कानून चलता है, और बहुत सारे देश मान्यता भी दे के रखे हैं, लेकिन इजराइल की नजर में वो आतंकवादी है। तो गाजा पट्टी किसमें जो इजराइल के आतंकवादी है, उसने जो रॉकेट छोड़ा उस रॉकेट के हिसाब से अब गाजा इजराइल बोल रहा है कि उसको खत्म कर देंगे। तो आखिर ये जो गाजा पट्टी में हमास है और आपका इजराइल है, इन दोनों के बीच क्या है कहानी? अगर आप मैप की दृष्टि से देखेंगे तो आपको दिखेगा, मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाई, ये इजराइल का नक्शा है, इसी इजराइल के नक्शा में आपको गाजा भी दिख जाएगा। इजराइल के नक्शा में गाजा कहाँ है, देखिए ये जो है ना, ये वाला पट्टी छोटा सा, सॉरी यहाँ नहीं, ये वाला पट्टी जो छोटा देख रहे हैं ये गाजा है, और ये वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक पे हमास का अधिकार नहीं है, ये फिलिस्तीन का पीएलओ जो उसकी राजनीतिक पार्टी है, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन करके कुछ है, जो यासिर अराफात लोग चलाता था, उसका पार्टी है, और यहाँ पे ये गाजा का है, यहाँ से पीएलओ को ये भगा दिया है, हमास वाला भगा दिया है, और यहीं से रॉकेट दागा ये किस पे, आपका इजराइल पे। इजराइल कहाँ से है, ये पूरा इजराइल है, ये जो पूरा देख रहे हैं ये पूरा वाला एरिया ऐसे करके, ये पूरा इजराइल है, अपने आप को इजराइल ही कहता है, इजराइल में ही फिलिस्तीन गाजा पट्टी घुसा हुआ है। तो इसका ये वाला बॉर्डर एरिया हो गया हम गाजा के साथ, और ये वाला बॉर्डर एरिया हो गया वेस्ट ब्लॉक के साथ। अब बाकी ये पूरा एरिया फिलिस्तीन है। मात्र 6 डिस्ट्रिक्ट है इजराइल में, मात्र 6 डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, हाइफा डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, तल अवीव, जेरूशलम और साउदर्न डिस्ट्रिक्ट। और ये जो जेरूशलम है ना, इसको लेके लफड़ा है, यानी इजराइल बोलता है जेरूशलम मेरा है, फिलिस्तीन बोलता है जेरूशलम मेरा है। कुछ कारण भी है, कुछ धार्मिक कारण है, कुछ उसके साथ में उसकी जुड़ी हुई है आपसी इमोशंस जुड़ा हुआ है, जिस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जो खूनी इतिहास चल रहा है ये क्या है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो पहला खूनी संघर्ष शुरू हुआ ना, वो समय था 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में फिलिस्तीन के समय था भी नहीं, इस समय एक्चुअली कहिए तो इजराइल था भी नहीं, इस समय इजराइल नहीं था, ये ओनली फिलिस्तीन था, इजराइल जानता ही नहीं था कोई। ये यहूदी का इजराइल वर्ल्ड यहूदियों के लिए धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रखता है, तो इजराइल नहीं था। लेकिन फिलिस्तीन में जो नागरिक थे वो थे यहूदी और मुस्लिम, जिसमें यहूदी अल्पसंख्यक थे, जो यहूदी थे वो अल्पसंख्यक था, माइनॉरिटीज में आते थे, और जो अरबियन मुस्लिम थे वो मेजोरिटी में आते थे। तो ना जब फर्स्ट वर्ल्ड वार आया 1914, उस समय ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिया। ब्रिटेन का तो काम ही था, इंडिया पे भी कब्जा किया था, आपको पता ही है इंडिया पे कितना दिन रहा 1947 में छोड़ के गया। तो ब्रिटेन ने 1914 के समय फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिया, ये पूरा एरिया ब्रिटेन के अधीन था, ये पूरा एरिया ब्रिटेन के अधीन था, ठीक है। तो जब फिलिस्तीन में वो कब्जा किया तो ब्रिटेन का तो सबसे बड़ा पॉलिसी रहा स्टार्टिंग से, फूट डालो राज करो। तो उसने क्या किया कि वहां पर जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाले थे, आपका यहूदी और अरबियन, इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत फूट डाली गई,
फूट डालने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, जो इंटरनेशनल में अपने उनके उसमें फिलिस्तीन में यहूदी मदरलैंड बनाने का काम सौंप दिया। ठीक है, तो जब ब्रिटेन ने कब्जा ले लिया तो ब्रिटेन को बोला, उस समय तो चलती थी ना पार्टी, कि इंटरनेशनल सोसाइटी ने बोला एक काम करो, फिलिस्तीन में यहूदी वाले को जगह दे दो, यानी यहूदी का मदरलैंड बनाओ, यहूदी मदरलैंड बनाना के लिए बोला ब्रिटेन को। और ब्रिटिश शासन ने एक बालफोर घोषणा किया था जिसमें फिलिस्तीन में यहूदी के लिए एक अलग राज्य बनाने का घोषणा कर दिया, जैसे हमारे यहाँ कर दिया ना पाकिस्तान, भारत को अलग कर दिया और पाकिस्तान एक अलग राज्य बना दिया, हम भी आज लड़ ही रहे हैं थोड़े बहुत। वहां पर भी ये फूट डालने का राज, जगह बनाने का काम ब्रिटेन का था। ब्रिटेन ने क्या किया कि जो फिलिस्तीन में आके यहूदी को बोला कि ठीक है तुमको इस मेजोरिटी के साथ जीवन सही नहीं चलेगा, तुम अपना अलग राज्य बना लो। तो उन्होंने एक बालफोर घोषणा किया था जिसमें यहूदियों के लिए एक अलग राज्य बनाने का समर्थन दिया, और इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा, उसमें बोला कि जो गैर यहूदी वहां रहते हैं उनके धार्मिक खिलाफ के लिए ऐसी कुछ नहीं की जाएगी। कहने का मतलब आप सीधी बात समझ सकते हैं एकदम सिंपल वे में, कि जब भारत पाकिस्तान को बंटवारा किया इन्होंने, ये हमारा भारत पाकिस्तान को बांट के गया था वहां से यहां पे, उस समय भी यही बात कही गई थी कि ये माइनॉरिटीज हैं, उस समय माइनॉरिटीज में थे हमारे यहां, ये मेजॉरिटीज में हैं, दोनों के लिए एक स्वतंत्र जगह बनाए, लेकिन दोनों एक दूसरे जगह रह सकते हैं, इसमें किसी प्रकार के धार्मिक अधिकार का खिलाफ नहीं होगा। और आप आज देख सकते हैं कि आपके यहां A+B दोनों रह रहे हैं या यहां A+B दोनों रह रहे हैं, और ये जो नासूर है उंगली का बना हुआ रेड क्लिप लाइन, समझ ही रहे हैं रोज POK फलना चिलना, यहां भी 50 चीजें चलती है। तो यहाँ क्या है कि इजराइल छोटा सा है, ये इतने बड़े में इतने छोटे से हैं, तो चलता है जो भी हो, अब इस पे नहीं जाएंगे हम, यहाँ पे आएंगे। तो ये जो राज डाला गया ना, ये ब्रिटेन का ही काम था। ब्रिटेन ने क्या कहा, यहाँ पे देखा कि इसको कैसे राज करेंगे, तो पहले इसमें मेजोरिटी माइनॉरिटी के बीच दे दो कहानी करके, और इन्होंने एक कहानी कर दिया, फिलिस्तीन को बोला कि ठीक है तुम्हें तुम्हारा राज देंगे, लेकिन उस अलग राज्य में भी दोनों समुदाय को मिल के रहे, इसके लिए धार्मिक आधार पर कोई हम गड़बड़ी नहीं करेंगे। इस चक्कर में क्या हुआ कि 1922 से 1947 तक, 1942 से 1947 तक लगभग 25 ईयर्स वहां ब्रिटिश शासन रहा था, ब्रिटिश शासन कर रहे थे, ब्रिटेन को बोला था, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का उसको एक तरह से सपोर्ट था, और उन्होंने एक ऐलान कर दिया, अंदर में होप जगी। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जितना यहूदी था उसको ये लग गया कि फिलिस्तीन में मेरे लिए एक सेफिस्ट जगह बनाई जाएगी जो मेरा होगा सिर्फ, यानी यहूदियों का होगा, तो वो वहां से पलायन करने लगे और सब फिलिस्तीन की ओर बढ़ने लगे। और ये पलायन जब फिलिस्तीन की ओर बढ़ा, उसी समय द्वितीय वर्ल्ड वार आ गया, द्वितीय युद्ध तो चला 1942 के समय, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो यहूदी था वो जो दूसरे जगह से फिलिस्तीन आए थे, ईस्टर्न यूरोप से, सेंट्रल यूरोप से, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ गया। और कहा जाता है कि हर जगह पे जो अंदर से आक्रोश बढ़ता है, आक्रोश उत्पन्न होता है, मरने मारने के लिए लोग उतारू होता है, उसका एक कारण है कि उस पर या उसकी किसी पीढ़ी पर उत्पीड़न हुआ हो। यहां पर भी ब्रिटेन के वो एक डिसीजन ने जो यहूदियों को आकर्षित कर दिया आपके फिलिस्तीन की तरफ, तो सारे यहूदी यूरोप में जो थे वो छिटपुट थे ना, यहूदी बहुत कम है, छिटपुट है, ईसाई अलग है, यहूदी अलग है, बहुत कम जगह यहूदी बचे हुए हैं, तो यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन की ओर बढ़ा, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदियों पर अत्याचार बढ़ गया। अब क्या हुआ, चूंकि फिलिस्तीन में मेजोरिटी कौन था, अरब था, आसपास भी देखिए जॉर्डन, अम्मान, इधर इराक, सीरिया, लेबनान, गोलान, ये सब जितने एरिया है ना, ये इजिप्ट, ये सब मुस्लिम कंट्री है, और यहाँ पे अरबियन अधिक थे, तो जो मेजोरिटीज होगी उन्होंने वो तो खिलाफ रहेंगे भाई, ये इसको ठीक है यहूदी हमारे साथ रह रहा है, बस उसके लिए बनाओ मत, ताकि भारत पाकिस्तान के लिए जो विभाजन की विभीषिका हुई 14 अगस्त 1947 जिसको हम लोग मनाते हैं, उस पीरियड में साल दो साल तक जो भारत पाकिस्तान में भाईचारा टूटा, कारण क्या था, ही तो था कि तुम्हारा ये फूट डालो राज करो, तो वहां पर भी फिलिस्तीनियों ने यहूदियों पर बहुत ही प्रकार से जो अरबिया था उत्पीड़न किया, अत्याचार किया, और यहूदी एक तरह से अंदर ही अंदर आक्रोशित हो उठे। कहा जाता है कि जब
1929 में हेब्रोन नरसंहार हुआ था तो बहुत यहूदी मारे गए थे, बहुत यहूदी मारे। और वो जो 1929 का हेब्रोन नरसंहार था उसमें फिलिस्तीनियों ने ही यहूदियों को मारा था, ऐसा कहा जाता है, जो इतिहास कहती है। तो जैसे जैसे ही फिलिस्तीन में यहूदी बढ़ता गया, क्योंकि यहूदी जब बढ़ेगा, जगह तो छेम है, छोटा सा जगह है, आप तो देख रहे हैं कि भारत का ये कोई स्टेट भी इससे बड़ा होगा, यहाँ पे यहूदी बढ़ते चले गए तो फिलिस्तीन का जगह हटता चला गया, फिलिस्तीनियों का विस्थापन होने लगा, यानी अरबियों का विस्थापन होने लगा, और यहां से दोनों के बीच हिंसा और संघर्ष भी मणिपुर में हो रही है। तो हर जगह का काम वही है, जंग है, जमीन है, धर्म है, इन तीनों के बीच में उलझ के मार शुरू है, वहां भी चल रही है। तो क्या हुई कि जैसे जैसे यहूदी आए, फिलिस्तीनियों को पलायन होना पड़ा, तो उसके कारण में आपसी मनमुटाव बढ़ा, संघर्ष शुरू हुआ। किसके लिए संघर्ष शुरू हुआ? जमीन के लिए। किस नाम पे? धर्म के नाम पे। और ये जंग चलता चला गया, एक हो गए यहूदी और दूसरा हो गया अरबियन। अब दोनों के बीच चल रहा है कहानी। इस कहानी में 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ को मध्यस्थता करनी पड़े, और इसमें उन्होंने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1947 में, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बोला कि एक काम करो, इसको 50-50 में बांट लो, आधा फिलिस्तीन रख दो, यानी कि आधा यहूदी को दे दो। शायद 51-41 था, 49 था, ये वाला था समझौता। ये 1947 में यूएनओ ने दिया कि भाई एक काम करो, तुम ले लो थोड़ा, अब थोड़ा यहूदी को दे दो, दोनों मिलके रहो। लेकिन एक पक्ष ने इसको नहीं माना, बोला नहीं, ये पूरा मेरा है। संजोग ऐसा हुआ कि ब्रिटिश का शासन तो हर जगह धीरे धीरे खत्म हुआ, फिलिस्तीन में भी ब्रिटेन के शासन खत्म हुए, और ब्रिटेन के शासन जाने के बाद भी दोनों का संघर्ष खत्म नहीं हुआ, और ब्रिटेन चाहता भी नहीं था कहीं कि संघर्ष खत्म हो, क्योंकि ब्रिटेन के जाने के बाद 75 साल के बाद भी आज यहाँ पे जंग जारी है, पुलवामा कुलवामा चलते रहता है। तो सेम यहाँ पर भी फिलिस्तीन और इजराइल का जंग जारी है, ब्रिटेन वो जंग छोड़ के चला गया। जब ब्रिटेन जंग छोड़ के गया, उस समय यहूदी बहुत मजबूत हो चुके थे अपने आप में, और उन्होंने इजराइल की स्थापना कर दी। इस तरह से 14 मई 1948 को, 14 मई 19, क्योंकि इस समय तक अंग्रेज कमजोर हो चुका था, द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन के पास पावर बहुत कम हो गई थी, और वो नहीं रहा था कि अब हम किसी और राज्य पे राज करेंगे। इस कारण से 14 मई 1948 को इजराइल एक नया राष्ट्र के रूप में आया वर्ल्ड मैप में, इजराइल बना नया कंट्री के रूप में। इसके पहले तक ओनली फिलिस्तीन था। जैसे 1947 को पाकिस्तान एक नया स्टेट गणराज्य बना, कंट्री बना, उसके पहले पाकिस्तान नहीं था। सेम 14 मई 1948 को इजराइल बना। अब क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन राज्य और यहूदी राज्य को विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया था। इसको तो अरबों ने खारिज कर दिया था, क्योंकि मुसलमान नहीं चाहते थे कि यहूदियों को अपना जगह मिले। तो जब उन्होंने इसको खारिज कर दिया तो यहूदी तो मजबूत थे ही, 14 मई 1948 को अपने नेतृत्व में स्वतंत्र इजराइल राज्य बना दिया और वो अस्तित्व में आ गया। ये जैसे ही हुआ, ये जो अरब था ये बौखलाया हुआ था, अरबियों ने क्या किया, इजराइल पे हमला कर दिया। अरबियों ने इजराइल पे, जैसे ही इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, अरबियों ने इजराइल पे हमला कर दिया, और इस हमले में, इस लड़ाई में फिलिस्तीनियों ने बढ़ चढ़कर अरबियों का साथ दिया था। जो फिलिस्तीन थे उन्होंने बढ़ चढ़ के अरबियों का साथ दिया था, परंतु यहूदी बड़े मजबूत होते हैं। आप इजरायली का नाम सुनिएगा, उसका एक एक सेना हजार हजार सौ सौ हमारे बहुत ही वीर बहादुर होते हैं वो, उसके एक एक नागरिक युद्ध के लिए जाते हैं। तो उन वीर बहादुरों ने बहुत ही बहादुरी दिखाई थी, और लगभग 7.5 लाख, कितना, लगभग 7.5 लाख फिलिस्तीनी सैनिकों को दरबदर कर दिया था, और वो भागना पड़ा था, फिलिस्तीन भाग गए, पड़ोसी देशों में शरण लिया, अरबियों ने उसे जगह दिया, और युद्ध लगभग 1 ईयर चला, और एक साल बाद वो युद्ध लगभग शांत हुआ था। और इस चक्कर में क्या हुआ कि यूएनओ ने जो 51-49 का जगह बनाया था, उसमें से लगभग जगह इजराइल ने खींच के अपने में मिला लिया, और फिलिस्तीन के पास छोटा सा जगह बच गया, जो आज देख रहे, फिलिस्तीन के पास सिर्फ एक गाजा पट्टी, और यहां पे ये वेस्ट बैंक के तौर पे है। वेस्ट बैंक में पीएलओ शासन करती है और गाजा पट्टी में हमास का शासन है, बस इतना ही बचा। अब क्या करेगा,
कोई उपाय नहीं है। इसराइल के यहूदी ने इसको स्वतंत्रता संग्राम दिया और ये कब्जे में आ गया, और इसराइल और इसके बीच में द कैटास्ट्रोफ या अल नकबा का जो था, ये फिलिस्तीनियों ने इस बंटवारे को तबाही, एक वर्ड से तबाही कहिए, तबाही का वर्ड दिया और इजराइलों ने बोला कि हम स्वतंत्र हो गए। बात ये सब चली, लेकिन इन सब का जो संघर्ष का केंद्र था ना कहीं वो धर्म था, कहीं ना कहीं धर्म था। और वो धर्म कौन था? वो धर्म का जगह था जो आपका ये डिस्ट्रिक्ट है, कहां गया ये वाला एरिया, ये कौन सा है? जेरूशलम, ये जगह है जेरूशलम। जेरूशलम मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल बोला जाता है। मोहम्मद साहब मोहम्मद पैगंबर के साथ जुड़ा हुआ है और यहूदियों का सबसे बड़ा धर्म स्थल माना जाता है, यहूदियों का भी सबसे बड़ा। इसलिए इजराइल ने अपने राजधानी किसको बनाया? जेरूशलम को, जो एकदम वेस्ट बैंक से सटा हुआ है, जेरूशलम को। तो ये दोनों के साथ, जेरूशलम के साथ जुड़ा है और जेरूशलम ही संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र रहा। 1948 के युद्ध में इस बहुत बड़ा जमीनी हिस्सा इजराइल के कब्जे में था, तो 1949 में एक आर्मिस्टाइस लाइन खींच दिया जिसमें फिलिस्तीन दो क्षेत्र में बट गया। 1949 में युद्ध के बाद इजराइल ने क्या किया? एक लाइन खींच दिया, आर्मिस्टाइस लाइन, और इस लाइन में फिलिस्तीन दो पार्ट में बट गया, एक पार्ट हो गया वेस्ट ब्लॉक और एक पार्ट हो गया गाजा पट्टी। कमोबेश हम भी जूझ से जूझ रहे हैं, एक पार्ट हमारे पास पाकिस्तान है और छोटा सा इधर बांग्लादेश, उधर नहीं दिख रहा है मैप में, उधर घुस गए हम भी फंसे हुए हैं। भारत भी ऑलमोस्ट इसी कंडीशंस में है, शांति प्रिय देश है इसलिए चल रहा है, नहीं तो कहीं हम बहुत अंतर में नहीं है। तो ये जो दो क्षेत्र बताना, उसमें जो गाजा पट्टी है इसमें लगभग 20 लाख आबादी है, हमारे यहाँ एक बड़ा सा शहर जो है ना वो करोड़ों में है, तो 20 लाख आबादी है। और वेस्ट बैंक शांत है थोड़ा, ये पूरब में स्थित है, इसकी बहुत बड़ी चर्चा नहीं है, बट ये उछल कूद यही मचाता है, ये छुपका हुआ जो है ना, इसको ये सब ईरान उरान अरब कंट्रीज पूरा माथा पे चढ़ा के रखा है और उसको उसकाते रहता है। ज्यादातर मुस्लिम अरब में है और वेस्ट बैंक में बहुत पवित्र स्थल यहूदियों का भी है, जहां बहुत सारे तीर्थयात्री आते जाते रहते हैं। और यरूशलम को लेके ही इजराइल और फलस्तीन के बीच में ये युद्ध चलता रहता है, क्योंकि यरूशलम में जो मस्जिद है जिसका नाम क्या है? अल अक्सा, अल अक्सा, ये मुसलमानों के लिए भी पवित्र है। और यहीं पे बोला जाता है डोम ऑफ द रॉक, क्या बोला जाता है? डोम ऑफ द रॉक। ये यहूदियों का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है, अब दोनों दुश्मन तो लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र। और ये जो परिसर है ना, इसका जो मैनेजमेंट है ये बेचारा जॉर्डन करता है, पूरा मैनेजमेंट अल अक्सा का मैनेजमेंट जॉर्डन करता है, सिक्योरिटी इजराइल देखता है, तो पूरा का पूरा लफड़ा अल अक्सा मंदिर के साथ धर्म के सेत जुड़ा हुआ है। अब इसमें विशेष नहीं जाएंगे, उसके बहुत सारे नियम कानून भी है, कहानी भी है, जाने से फायदा नहीं है। मेन मुद्दे पे आते हैं कि अब ये जो गाजा पट्टी है, यहां पर जो हमास है, आखिर ये है कौन और ये चाहता क्या है, आखिर हमास का है क्या? 1970 के दशक में जब फिलिस्तीन अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू किया था, तो यासिर अराफात जो नेता थी उसकी अगुवाई में पीएलओ हुआ, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ यासिर अराफात ने बनाया था। और इजराइल और पीएलओ फिलिस्तीन के बीच में थोड़ी बहुत झगड़े चलते रहे। 1993 में पीएलओ और इजराइल के बीच एक शांति समझौता हुआ था कि छोड़ भैया, बहुत लड़ाई झगड़ी हो गई, थोड़ा बातचीत से मुद्दा सुलझाते हैं। और इस शांति समझौते का नाम था ओस्लो शांति समझौता, ओस्लो शांति समझौता। और कहा कि चलो एक दूसरे से शांति से रहेंगे, जो जिसके पास है उतने में जिएंगे, बहुत परेशानी झेल लिए, चलो खत्म करो। लेकिन इसी बीच में 1987 में फिलिस्तीन में विद्रोह हो गया, यानी आपसी इंटरनल विद्रोह हो गया। 1970 में पीएलओ ने अपना शासन वासन बनाया यासिर अराफात के साथ, यह चल रहा था, बट 1987 में फिलिस्तीन में आंतरिक विद्रोह हुआ और उसमें एक विद्रोही संगठन उभर के आया जिसको जो है हमास। कौन है हमास? ये फिलिस्तीन के अंदर का उत्पन्न हुआ विद्रोही संगठन है, जिसको पूरा नाम क्या बोलते हैं? हरकत अल मुकवामा अल इस्लामिया, हरकत अल मुकावा अल इस्लामिया, अब कुछ होता होगा मीनिंग इसका पता नहीं। और इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना करने वाला
एक विकलांग था, फिजिकल हैंडीकेप्ड आदमी जो अपने 12 ईयर के एज से व्हीलचेयर पे चलता था। क्या नाम था उनका? अहमद यासीन। क्या नाम था? अहमद यासीन। अहमद यासीन 12 साल की उम्र से व्हीलचेयर पे चलता था और उसने हमास की स्थापना की थी। अब हमास क्या चाहता था? हमास ने जो अपना चार्टर पब्लिश किया उस टाइम में, उसमें उसने लिखा कि फिलिस्तीन एक इस्लामी राष्ट्र बनेगा, इस्लामी राष्ट्र है, हम फिलिस्तीन को इस्लामी राष्ट्र बनाने की कसम खाते हैं, इजराइल का नक्शे से नामो निशान मिटा देंगे। ये हमास का चार्टर था कि इजराइल का नक्शे से नामो निशान मिटा देंगे। यहाँ गाजा में 20 लाख लोगों के साथ रह के अहमद यासीन ने अपना चार्टर पेश किया हमास के नाम से कि हम लड़ेंगे, इजराइल को मिटा देंगे, फिलिस्तीन एक अरब साम्राज्य का सदस्य रहेगा और एक इस्लामी समाज की स्थापना होगी। इसके साथ ही जो यासिर अराफात के साथ ओस्लो का शांति समझौता हुआ, उसका उसने निंदा किया, बोला ये गलत है, हम कभी भी यहूदी को साथ में नहीं रख सकते, उसको जगह नहीं दे सकते, हम जीतेंगे। और संजोग ऐसा होता है ना, जब आप उछल कूद मचाओगे तो अमेरिका कूद जाता है। तो यहां पे अमेरिका कूद गया और अमेरिका ने क्या किया 1997 में, कब 1997 में, हमास को, पहले हमास क्या था, राजनीतिक दल था, पॉलिटिकल पार्टी थी, हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। क्यों? उग्र रूप से काम करता था, यहां बैठ के जब चाहे तब इजराइल पे बम फोड़ दे, लड़ाई कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो उसको अंतरराष्ट्रीय समुदाय के तौर पे उसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया। और धीरे धीरे इस चीज पे हमास को ब्रिटेन वगैरह और जो बड़े देश है उसने भी स्वीकृति दे दिया। जब ये सब चीजें चली तो 2000 आते आते इन 2-3 सालों में जब हमास पे बहुत अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगने शुरू हो गए तो उसका विद्रोह और उभर के सामने आ गया और वो एक तरह से लड़ाई झगड़ा में आंदोलन हिंसक कर दिया। फिर ये चलती रही, गाजा पट्टी पे इजराइल का अधिकार था, धीरे धीरे इजराइल पता नहीं किस कारण से वो सोचा छोड़ो हम गाजा पट्टी से अपनी सेना वोना वापस हटा लेते हैं, और गाजा पट्टी से इजराइल हट गया। कब? 2005 में। इजराइल के हटते ही गाजा पट्टी पे हमास अपना सत्ता, प्रभुत्व सत्ता बैठा लिया, बोला अब ये मेरा एरिया है। उसका 15 सदस्यों का पोलित ब्यूरो है जिसका मुखिया अभी भी इस्माइल हनियो है, वो उसी समय से है और वो उसी के माध्यम से पूरा चलाता है। इस्माइल कतर में रहता है, कतर की राजधानी है दोहा, वहां रहता है और वहीं से चलता है। और अगर मीडिया की माने तो पूरा का पूरा हमास को जो पैसे का बंदोबस्त करने वाला है वो ईरान है। ईरान बोलता है $100 मिलियन सालाना फंडिंग करता है हमास को, पता नहीं, हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा मीडिया से कहीं पढ़ने उड़ने में मिलती है। और अभी भी जो ताजा संघर्ष है इसमें भी बहुत सारे मीडियाज के रिपोर्ट को पढ़िएगा तो कहता है ईरान का ही हाथ है उस काने में। का है? इसका बहुत बड़ा कारण है, ईरान उसकाएगा तो इजराइल इस पे लड़ेगा, इधर से इजराइल लड़ेगा तो ये मुस्लिम कंट्रीज के साथ में इससे परेशानी बढ़ेगी, इसके साथ में वेस्ट बैंक भी इधर से आएगा, इससे इजराइल परेशान रहेगा, इजराइल जब परेशान रहेगा तो बड़े कंट्रियों से इसको आपूर्ति होगी, फिर देश में एक प्रकार से अर्थव्यवस्था में जो चीज़ें आएंगी, तो इन सब कंट्रियों को जो गल्फ कंट्री हैं, ईरान, इराक, इनकी वायल में जो पैसे है, जो बताता है कि मतलब एक तरह से बिजनेस डेवलप होती है अगर क्षेत्र अशांत होता है तो इस तरह से उनकी दो चीज़ें हैं, एक तो धर्म के नाम पे भी हो गई और दूसरा बिजनेस के नाम पे भी, एक अपना वर्चस्व के नाम पे भी हो गया। और मुस्लिम कंट्रियों में ईरान वगैरह का एक अपना अलग प्रभुत्व है। तो यहाँ पे इजराइल का फिलिस्तीन को वो उसकाना है और वो इजराइल को बोलता है खत्म कर दें जो संभव नहीं है और इस्लामी साम्राज्य को घोषित कर दें। इसके साथ ही जैसे ही ये सब कहानी होती है इजराइल लग जाता है। इजराइल क्या किया? बोला हम फिलिस्तीन को मिटा देंगे, हमास को मिटा देंगे। और पिछले कई दिनों से कंटिन्यूस युद्ध जारी है, विश्व के बहुत सारे देश उसमें कूदे हुए हैं, कोई फिलिस्तीन को सही कह रहा है तो कोई इजराइल को सही कह रहा है, कोई अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन सही क्या है ये पता नहीं, हम नहीं कह सकते, लेकिन चल रही है। तो मेन जो लॉजिक था ये ब्रिटेन से शुरू हुई, फूट डालो राज करो चली, नासूर छोड़ के गया और वो नासूर पनपता जा रहा है, खत्म भी नहीं होने वाला है। अब क्या कहानी है कि ये बैठ जाएगा, हमास को फंडिंग जब तक है तब तक युद्ध है, हमास की फंडिंग अगर ईरान बंद किया, इसके पास अपना पैसा क्या है, कुछ नहीं है, और थोड़ी बहुत इजराइल के पास अपनी सारी चीज़ें हैं, सारा बिजनेस है, सारा कंट्रीज के साथ है, सारे पूरा विश्व दो धड़े में बट गया। उनका कहना है
कोई इजराइल से ही है, कोई फिलिस्तीन से है, हमारा देश की तरफ से भी। अब होता क्या है ना, कौन देश किसको सपोर्ट करेगा निर्भर करता है कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। अगर वस्तुतः देखिएगा तो भारत का सपोर्टर इसराइल है, टेक्नोलॉजी है, आपसी व्यापार है या जो भी हो, ये फिलिस्तीन के साथ या गाजा के साथ है, भारत का बहुत कुछ नहीं है। परंतु भारत मुखर होके ये नहीं कह सकता, इसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक आंतरिक कारण होते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो एक दूसरे से जीता हुआ है। इसराइल नहीं था, इसराइल बना है, और इन्होंने बहुत सारी जगह है, बहुत सारी चीजें हैं जो अपने दम पे लड़के जीत के लिया हुआ है। अगला कहता है मुझे दे दो, तो भाई जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कानूनन आपने ही लिया है, अपने दम पे लिया है, अपनी शक्ति पे लिया है, उसको दूसरे कंट्री नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी कहानियां होती हैं। हमारे भी बहुत सारे एरिया पीओके है, अक्साई चीन है, बहुत सारे एरिया है जो किसी ने दाब के रखे हैं दम पे। जैसे ही सपोर्ट कर देगा भारत तो ये भी कहेगा ना कि भैया ये भी तो मेरा है, हम भी तो जीते हैं, तुम इसराइल किया तो बड़ा बढ़िया, और हम जीते हैं तो बोलते हो कि हम ले लेंगे चीन के, पीओके तुम्हारा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी आंतरिक या राजनीतिक विश्लेषण होते हैं जहाँ पे आप मुखर होकर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत का कहना है कि भाई शांति वार्ता से काम चलाओ, मिलजुल के काम निकालो, स्थायी समाधान निकालो। युद्ध से क्या होगा, अभी 3 दिन में 1000 लोग मारे गए हैं, और अगर बढ़ोगे तो और भी होगी, जन की छानी क्षति, धन की क्षति, सबकी क्षति होती है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इसराइल और फिलिस्तीन की जो युद्ध है, इसमें ईरान का हाथ तो हो सकता है, और उसके फायदे भी होते हैं, प्रोत्साहन समर्थन भी होते हैं, परंतु इसराइल भी नहीं चाहता है कि फिलिस्तीन और गाजा के साथ उसकी युद्ध समाप्त हो, क्योंकि वो एक छोटा सा देश होकर भी, अब छोटा सा देश होकर भी वर्ल्ड के नक्शे में है और मीडिया में, न्यूज में है, सब में है, और उस पर गाजा या हमास का बहुत बड़ा योगदान है। अगर इसराइल आज कुछ है, संघर्ष और चुनौतियां का सामना करते हुए आगे बढ़ा है, तो उसमें गाजा या हमास या अरबियन का बहुत बड़ा योगदान है। संघर्ष किसी को बहुत उत्प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ जानने के लिए। तो इस तरह से दुनिया भी दो पक्ष में बट गई है, ईरान, यमन, ये सब ने हमास का खुले तौर पे समर्थन कर दिया, बहुत है ऐसे, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब इसराइल के समर्थन में खड़े हैं, तो रसिया भी हम फिलिस्तीन के समर्थन में। ऐसे कुछ मीडिया न्यूज के हिसाब से कुछ कंट्रीज ने दोनों को बीच बचाओ, मध्यस्थता करने का समय दिया है, लेकिन वस्तुतः आगे होगा क्या, चलिए देखते हैं। और आज हमने जो इनपुट के हिसाब से मीडिया न्यूज रिसर्च और पब्लिशर्स के हिसाब से आप लोगों के सामने फिलिस्तीन और इसराइल के बीच का जो ये अभी के समय का बढ़ता हुआ संघर्ष है, इसको बताने की कोशिश की। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर हमने सही सटीक ढंग से पेश कर सका तो भी बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपकी शेयर, लाइक, कमेंट्स अच्छे मिले तो मुझे लगेगा कि नहीं, मैं आपको सही समय पे सटीक चीज़ें विश्लेषण कर पा रहा हूँ। अगर विश्लेषण सही होगी तो सीरीज को आगे भी बढ़ा सकते हैं और चीज़ों पे विश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से अंदर से एक मोटिवेशन और जुनून बढ़ता है कि कुछ सही हो रही है। तो आज विदा दीजिए, सबको धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी वीडियोस में। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पे निर्भर करेगा कि हमारी वीडियोज किस टॉपिक पे, कहां और किस हिसाब से बनेगी। जय हिंद, जय भारत, आज के लिए शुभ रात्रि।